ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जी एक्स आपको एक फंक्शन हो, तो ये ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या क्या था, ज़ीरो पर, वन बाई टू पर और टू पर, ये तीन पॉइंटों पे ये फंक्शन पूरा का पूरा कैसा है, डिसकन्टिन्यूस फंक्शन है, ज़ीरो से किस में, टू में। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसमें कह रहा है कि एफ एक्स आपको दिया गया है और जो जी एक्स है उसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है जीरो से टू के अंदर, ठीक है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल कर लेंगे क्योंकि इसमें क्या है डिफरेंशियबिलिटी भी पूछी गई है, तो डिफरेंशियबिलिटी हम ओवर इंटरवल में देखते हैं ऑलवेज, तो इस वजह से है ना। तो देखो ये कह रहा है कि जो जी एक्स है ना वो दो तरीके से डिफाइंड है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, जो भी फंक्शन आप जीरो से वन में, जीरो से वन में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वही हमारा क्या है, जी एक्स है, ठीक है। और वन से लेके टू में फंक्शन कितना दे रखा आपको, थ्री माइनस एक्स दे रखा है, तो हमको बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जी एक्स की कंटिन्यूटी देखनी है, तो मुझे देखना है कि जीरो से वन में ये फंक्शन आपका कहाँ पे कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा, ठीक है ना, सॉरी ये कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ये फंक्शन आपका कहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखिएगा कि ये हमारे पास एफ एक्स जो दे रखा है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो बेसिक पॉइंट क्या है कि किसी फंक्शन की आपको मैक्सिमा या मिनिमा देखनी होती है, महत्तम पॉइंट या न्यूनतम पॉइंट, तो उसके लिए क्या है, जो महत्तम पॉइंट होता है उस पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो क्या होता है, अवकलन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो मैं पहले तो इसका अवकलन निकाल लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, ठीक है ना, तो ये हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किसमें, जीरो से वन में, जीरो से वन में देखना है केवल हमको इसको, एक्स का वैल्यू जब भी जीरो से वन रहेगा उस दौरान फंक्शन का जो महत्तम वैल्यू आएगा ना वही हमारा जी एक्स होगा। तो देखो अगर आप देखोगे इसको तो मैं थ्री कॉमन लेता हूँ, चलो इसमें से तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन थ्री एक्स, ये हो गया प्लस वन, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन थ्री एक्स, इसका हाफ ऐड कर दो और माइनस कर दो, ठीक है, प्लस वन, तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा, ये आपको वैल्यू मिलेगा कि एक्स माइनस वन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, और ये थ्री टाइम्स, और माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, तो ये कितना मिलेगा आपको, टू अपॉन थ्री मिलेगा, तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। अब आप एक बात सोचो, इसमें आप कुछ भी एक्स रखोगे तो ये ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ कि जो एफ एक्स है ना इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे आर में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पूरा हमारा ये जो फंक्शन है ना पूरा इंक्रीज होता चला जा रहा है, लगातार लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये मतलब इसका हुआ। तो इट मीन्स ये है कि अगर जैसे मान लो इसका ग्राफ कुछ मैं बना रहा हूँ, ये जीरो है ये वन है, क्योंकि जीरो से वन में ही देखना है अपन को, वगैरह जीरो से वन में फंक्शन जब भी महत्तम आएगा ना वही आपका जी एक्स होगा, मतलब ये है, तो वही जीरो से वन में पूरे में वही होगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये फंक्शन हमारा ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ये फंक्शन लगातार हमारा इंक्रीज हो रहा है ऐसे, ये इंक्रीज हो रहा है इधर जाके, ठीक है। तो जीरो पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, इसका सबसे कम आएगा, और वन पर फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा ना, तो जीरो पर सबसे कम और वन पर सबसे कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि इस फंक्शन का देयरफॉर, तो जैसे इसके बाद में हम लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्स एट एक्स इक्वल टू वन इन जीरो कॉमा वन, इसमें फंक्शन का वैल्यू वन पर क्या होगा, सबसे महत्तम होगा, तो देयरफॉर एफ ऑफ वन, तो मैक्स ऑफ एफ एक्स, मैक्स एफ एक्स कितना हो जाएगा, वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन इक्वल टू टू आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो फंक्शन था ना जी एक्स, ये फंक्शन आपका जी एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी एक्स इक्वल टू, ये जी एक्स आपका बन जाएगा कि टू बन जाएगा जब एक्स आपका लेस देन इक्वल टू वन है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और थ्री माइनस एक्स रहेगा जब एक्स आपका लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन वन है। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि देखो ये तो बाउंड्री है, तो बाउंड्री से पहले अगर आप देखोगे तो कुछ और फंक्शन है, उसके बाद कुछ और है, लेकिन जीरो से वन में फंक्शन कैसा है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, और वन से टू में ये फंक्शन क्या है, लीनियर
फंक्शन है, तो लाइन क्या लिख सकते हैं हम, सिंस सिंस एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन, एफ एक्स इक्वल टू टू इज कॉन्स्टेंट फंक्शन विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, हैंस इट इज कंटिन्यूस इन जीरो टू वन ऑल्सो। ऐसे सेकेंड नंबर आप क्या लिख लोगे कि सिंस एक्स इक्वल टू थ्री, एफ एक्स इक्वल टू या जी एक्स इक्वल टू, ये जी एक्स है, थ्री माइनस एक्स इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कैसा होता है, संतत होता है, सतत होता है, अतः यह वन से लेके टू में भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। अब पॉइंट आ जाता है किसके लिए, तो ये कंटिन्यूस है यहाँ तक, ये कंटिन्यूस है यहाँ तक, लेकिन ये ओवरऑल फंक्शन जो हमारा, ये कंटिन्यूस कहाँ है, इसमें है, लेकिन ये ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस वन पे है कि नहीं, ये अपन को नहीं पता है ना। तो वन पर अब आप क्या करोगे, नंबर तीन में क्या करोगे, आप नंबर थर्ड में क्या करोगे कि कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ वन कित, जी ऑफ वन कितना है, जी की तो कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो जी ऑफ वन कितना आएगा, टू आ जाएगा। तो अब आप एल एच एल निकालो कहाँ पे, वन पर, तो लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ जी माइनस जी वन माइनस एच, तो वन माइनस एच के लिए फिर से फंक्शन कौन सा, यही है, तो लिमिट एच टेन टू जीरो और ये कितना आ गया, टू आ गया, तो कितना आ गया, टू आ गया। अब आर एच एल क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेन टू जीरो जी ऑफ वन प्लस एच, रख दो भाई इसको आप इसमें, तो लिमिट एच टेन टू जीरो थ्री माइनस वन प्लस एच, तो ये कितना बचेगा, टू माइनस एच बचा, लिमिट एच टेन टू जीरो टू माइनस एच, जैसे अप्लाई करोगे तो टू आ जाएगा। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जो जी है वो टू पर भी कैसा है, कंटिन्यूस है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, ओवरऑल ओवरऑल जी एक्स जो है ना, जी एक्स, जी एक्स के बारे में बात हो रही, जी एक्स इज कंटिन्यूस ऑन जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू में फंक्शन ही कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन क्या है, देखो ये ग्राफिकली भी आप देख सकते थे, ठीक है, ग्राफिकली भी आप चाहो तो इसको देख सकते हो। जैसे मैं देखो बता देता हूँ, जैसे हमारे पास फंक्शन क्या आया था, जी एक्स इक्वल टू आया था टू, जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, थ्री माइनस एक्स वेन लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन वन है, ठीक है। जैसे मैं ग्राफ बनाऊँ, देखो ध्यान से देखना आप ज़रा, तो जीरो से वन तक ये जीरो है और ये वन है, ये वन और ये टू है मान लो, तो फंक्शन का वैल्यू टू ही आ रहा है जीरो से वन में, तो ये ग्राफ आ गया क्लियर, ये ग्राफ आ गया। अब ये टू आ गया टू, तो देखो जैसे इसमें वन रख के देखो आप, तो वन थ्री माइनस वन, तो कितना आएगा, टू ही आएगा, तो बिल्कुल क्लोज टू वैल्यू इसकी आ जाएगी ना। और जैसे टू रखोगे तो टू थ्री, ये वन ये टू, तो टू रखोगे तो थ्री माइनस टू वन आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, तो ग्राफ आपका ऐसा चलता आया होगा, तो ये ग्राफ हो गया इसका, तो क्लियर हो गया। अब जैसे आगे चल के जैसे क्या है, वो पूछेगा आपसे कि भाई वन कॉमा टू में इसकी डिफ्रेंसिबिलिटी बताओ, तो देखो फंक्शन कभी भी इन पॉइंटों पर डिफ्रेंसिबल तो होता ही नहीं है, तो वैसे भी उसने ये हटा दिया होगा, ये तो हटा ही दिया, ये क्लोज इंटरवल की बजाय उसने क्या लगाया होगा, ओपन इंटरवल, क्लियर, ये लगाया होगा। अब ओपन इंटरवल लगा लिया मान लो, तो इसमें कहाँ डिफ्रेंसिबल है, मतलब अवकलनी कहाँ पे, तो जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं ना वहाँ पे अवकलनी होता है, यूनिक टेंजेंट, और नहीं हो पाएगा तो वो डिफ्रेंसिबल नहीं होगा। तो अगर देखो क्लियरली देखोगे ना आप, तो जहाँ जहाँ कॉर्नर होते हैं ना उस जगह डिफ्रेंसिबल फंक्शन नहीं होता। तो अगर ये पूछता कि भाई बताओ ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफ्रेंसिबल है कहाँ नहीं है, तो ओपन इंटरवल 1.2 में ये 1 पे ना डिफ्रेंसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी टेंजेंट है, ऐसे भी चली जाएगी, सॉरी ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जा सकती है टेंजेंट, है ना। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एक्स इक्वल टू वन, तो इसीलिए फंक्शन एक्स। और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, और जी एक्स आपका किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, टी वेरी फ्रॉम जीरो टू एक्स, और एक्स आपका जीरो से पाई तक हो सकता है। जी एक्स आपका साइन एक्स माइनस वन है जब एक्स ग्रेटर देन पाई है। तो देखो जो जी एक्स है उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ से, और आपको दे रखा है कि भाई जो हमारा एक्स है वो कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से पाई होगा। तो मैं सबसे पहले, और कंटिन्यूटी हमें किसकी चेक करनी है, जी एक्स की जीरो से इन्फिनिटी के अंदर। तो पहले जी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है उसका ग्राफ क्या होगा। तो एफ एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का ग्राफ मैं देख ले रहा हूँ जीरो से किस में, पाई में, तो ये पाई हो गया, ये जीरो हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, ठीक है। अब देखिएगा आप, जो जी एक्स है ना मेरा जी एक्स, वो जी एक्स क्या होगा,
अगर मान लो मैं एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लूँ, तो जीरो से पाई बाई टू तक अगर आप देखोगे तो एफ एक्स का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, जीरो होगा। तो जी एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई, जी क्या है, जो हमारे पास एफ एक्स है ना उसका जो न्यूनतम मान है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स, वो जी एक्स है। तो जीरो से पाई बाई टू में एफ एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर जी एक्स हमारा क्या होगा, जीरो से पाई बाई टू में जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मेरा पाई बाई पाई से लेस देन और ग्रेटर देन कितना पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू से पाई में देखोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो देखो पाई बाई टू से जैसे आप पाई जाओगे तो पाई पर कॉस का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन। तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो आपको माइनस वन ही तो सबसे न्यूनतम वैल्यू मिल रहा है, तो पाई बाई टू से पाई में इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस वन हो गया। फिर आप कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन पाई होगा तो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, साइन x माइनस वन। तो हमें जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ कि जो हमारे पास साइन x माइनस वन है ना, साइन x माइनस वन, ये साइन x क्या होता है, साइन x आपका होता है एवरीवेयर कंटिन्यूस, और वन भी क्या होता है, कंटिन्यूस, तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो x ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन गारंटी से कैसा है, कंटिन्यूस है, लेकिन पाई क्या है, बाउंड्री है, क्योंकि पाई से बड़े के लिए ये है, छोटी के लिए आपको ये दे रखा है, तो पाई पर फंक्शन चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप पाई पर एल एच एल निकाल लो, आर एच एल निकाल लो और फंक्शन का वैल्यू पाई पर निकाल लो, नंबर वन पॉइंट हो गया। अब देखो जीरो से लेकर के पाई बाई टू में, तो नंबर फर्स्ट एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। एफ एक्स क्या है, जीरो है, विच एफ एक्स नहीं, जी एक्स क्या है, जीरो है, विच इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, हैंस इट इज कंटिन्यूस इन जीरो से पाई बाई टू, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाई एक्स बिलोंग टू जीरो से ओपन इन सेमी ओपन जीरो से सॉरी सेमी ओपन पाई बाई टू से पाई अगर आप जाओगे यहाँ तक चले जाओ केवल आप, तो जी एक्स हमारा कितना है, माइनस वन है, विच इज़ अगेन कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज सॉरी जी एक्स इज माइनस वन विच इज कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये हो गया, तो पाई बाई टू भी बाउंड्री बची हमारे पास, ऐसी यहाँ पाई बची, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। और नंबर थर्ड क्या है कि साइन साइन एक्स एंड वन आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, हैंस देयर डिफरेंस इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस, हैंस दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन पाई ऑल्सो। भाई जब पूरे के लिए होगा तो पाई से बड़े के लिए भी तो हो जाएगा, ये पॉइंट रहा हमारा, ठीक है। अब हमको इसकी कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करनी पड़ेगी, पाई पर और पाई और कितने पर, पाई बाई टू पर। तो पाई पर कंटिन्यूटी के लिए आप क्या करोगे, नंबर जो हमारा चौथा तरीका है, जो फोर्थ स्टेप आएगा, वो क्या होगा कि एफ ऑफ पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू कितना है, देखो एफ ऑफ पाई बाई टू कितना, जीरो है। अब एल एच एल निकाल लो, तो एल एच एल भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और आर एच एल कितना आएगा बताओ जरा, यहाँ पे वन आएगा ना माइनस का, क्लियरली, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, पाई बाई टू से छोटा वैल्यू लेने पर फिर भी जीरो आएगा। आर एच एल निकाल के देख लो आप, एल एच एल भी निकाल के देख लो, और पाई बाई टू से जस्ट बड़े के लिए माइनस वन ही है, फर्क तो पड़ेगा नहीं लिमिट से, तो ऑब्वियसली हो गया। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन जो है ये पाई बाई टू पर कैसा है, कंटिन्यूस नहीं है। अब हम नंबर फिफ्थ में देखेंगे कंटिन्यूटी एट पाई, तो पाई पर देखो, पाई पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, ठीक है। अब आप एल एच एल निकाल लो पाई पर, तो एल एच एल पाई पर निकालोगे तो फंक्शन तो ये मिलेगा, तो आपको एल एच एल ही कितने मिलने वाली है, माइनस वन। फिर जैसे आप आर एच एल निकालोगे तो लिमिट क्या आएगा, एच टेन टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। देखो ये क्योंकि वेरिएबल फंक्शन है, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो पाई से छोटा वैल्यू कुछ भी लोगे तो आपको माइनस वन ही तो मिलेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फंक्शन का वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, ये लिमिट एच टेन टू जीरो आएगा, साइन ऑफ वन प्लस एच माइनस वन। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, साइन वन साइन ऑफ कितना, कहाँ पे देख रहे हैं, हम पाई पे देख रहे हैं, सॉरी ये तो पाई प्लस एच, तो साइन पाई प्लस एच कितना होता है, साइन एच, साइन पाई प्लस एच कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एच और माइनस वन, इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो तो ये कितना देगा, माइनस वन देगा। तो ये माइनस वन और माइनस वन, तो पाई पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बहुत छोटा कर देता हूँ ग्राफ से, तो आपको ये पांच स्टेप लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ये बोर्ड का तरीका रहता है आपका क्वेश्चन करने का। अब जैसे मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, देखो तो ग्राफ जी एक्स का हम बनाएंगे,
तो जी एक्स का ग्राफ बनाओ आप। तो जीरो से ये मान लो पाई बाई टू है और ये मान लो पाई है आपका, क्लियर। ये कितना है, पाई बाई टू है, जीरो से ये पाई है। तो जीरो से पाई बाई टू में आप देखोगे तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। फिर पाई बाई टू से पाई में देखोगे तो कितना आ रहा है भाई, माइनस का वन आ रहा है, ये आ रहा है। और इस पार्ट में ये ब्लैंक हो जाएगा, ये माइनस वन है और यहाँ माइनस टू है मान लो, ठीक है ना। और जैसे पाई इसमें रखोगे तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा। देखो जैसे मैं इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा देता हूँ और इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा देता हूँ, ये हमारा है टू पाई, ये हमारा है थ्री पाई, बीच में है इसमें थ्री पाई बाई टू और ये कितना है फाइव पाई बाई टू, क्लियर। तो देखो जैसे आप यहाँ पाई रखोगे तो वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन आएगा। और इस पर वैल्यू, और जैसे थ्री पाई बाई टू रखोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस का टू आ जाएगा, माइनस का टू। तो ग्राफ आपका कैसा आने वाला है, ऐसा आने वाला है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ आपका आएगा आगे चल के। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो, क्लियरली आप देख पा रहे हो कि हमारा जो फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है वो देखो पाई बाई टू पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना पाई बाई टू पे, देखो ब्रेक हो रहा है, फिर आगे ही चल रहा है, फिर आगे ऐसे चलता हुआ चला गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन आपका क्या है, जीरो से ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो में अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन आप किस में पूछा गया, जीरो से इन्फिनिटी में। तो मैं हम कह रहे हैं देयर फोर कि एफ एक्स जी एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू कितना पाई बाई टू। पाई बाई टू के अलावा ये फंक्शन क्या है, पूरा ग्रेटर देन जीरो के लिए कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जेई का क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। ए एन और बी एन आपको दे रखे हैं, बिलोंग टू आर, एन जेड में है, एफ आर से आर में कंटिन्यूस आपको दिया गया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि भाई आप इनमें से रिलेशन बताइए। तो जैसे मैंने मान लो इसमें एन इक्वल टू वन लिया तो मेरा एफ एक्स क्या बनेगा, एन इक्वल टू मान लो जैसे हम वन ले रहे हैं तो एफ एक्स मेरा क्या बनेगा, माइनस वन भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बन लिया तो क्या बनेगा, ए वन प्लस साइन पाई एक्स, और एक्स आपका बिलोंग करेगा कितने से, टू से लेकर के थ्री को, क्लियर। और ये मिलेगा बी वन प्लस कॉस पाई एक्स, एक्स आपका बिलोंग करेगा टू वन जेड टू माइनस वन से लेकर के किसको, टू को, ओके। फिर नेक्स्ट है एन बराबर टू रख दो आप तो एफ एक्स आपको मिलेगा टू रखने पे बी टू प्लस साइन पाई एक्स, और एक्स आपका बिलोंग कर रहा होगा टू कर रख दो उसमें तो ये फोर से लेकर के फाइव को, और ये बी ये ए टू, और ये बी टू प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स टू रखोगे आप तो ये मिलेगा कितना, थ्री से लेकर के एक्स बिलोंग करेगा थ्री से लेकर के फोर, क्लियर। एन इक्वल टू थ्री भी रख के देख लो तो एफ एक्स आपको मिलेगा ये ए थ्री प्लस साइन पाई एक्स, और वहाँ थ्री रखोगे तो कितना मिलेगा, थ्री टू जा सिक्स मिलेगा, सिक्स से लेकर के सेवन, और ये बी थ्री प्लस यहाँ रखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कॉस पाई एक्स रहेगा और एक्स बिलोंग्स टू थ्री रख दो यहाँ पे, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन तो फाइव से लेकर के सिक्स तक, क्लियर। ये हो गया, जैसे अब ये चलते चले जाओ आप, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो। मान लो मैं इसमें कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ टू पर, तो टू पर चेक कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा कि थ्री टू से बड़े के लिए फंक्शन तो आपका ये रहा और टू से छोटे के लिए फंक्शन आपका ये रहा, क्लियर। और टू के लिए फंक्शन आपका ये रहा, बट थ्री पर जैसे आप चेक करोगे थ्री पर, तो थ्री पर जब देखिएगा थ्री के थ्री पर फंक्शन का वैल्यू तो ये आएगा आपका, और थ्री के आर एच एल से आपको फंक्शन यहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब हम टू पर चेक कर रहे थे टू पर, तो ए वन और बी वन में रिलेशन मिलने वाला है, क्लियर। और जब मैं इसको थ्री पर चेक करूँगा एल एच एल आर एच एल फंक्शन का वैल्यू को, तो थ्री पर चेक करूँगा तो यहाँ से तो मिलेगा ए वन, लेकिन थ्री के आर एच एल से अपन को क्या मिलेगा, बी टू मिलेगा। तो देखो वहाँ से तो ए वन और ए
बी वन में रिलेशन मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर रिलेशन किस में मिल रहा है आपको, ए वन में और बी टू में। देखो ज़रा ध्यान से आप। अब जैसे मान लो मैंने चेक करना है इसको कितने पर, चेक करना मुझे थ्री पर, तो थ्री के एल एच एल के लिए फंक्शन हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ये तो हो गया। फोर पर चेक करना है तो देखो फोर पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, फोर पर, और फोर के एल एच एल फंक्शन यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, ये तो होगा, तो ये मिल जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ए टू बी टू में रिलेशन मिलेगा। लेकिन जैसे फाइव के लिए देखो तो फाइव के लिए फंक्शन ये मिलेगा, लेकिन फाइव के आर एच एल निकालेंगे तो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। तो ए टू और बी थ्री में रिलेशन आ रहा है, ए टू में और किस में रिलेशन आ रहा है आपका, ए टू में और बी थ्री में रिलेशन आ रहा है, ठीक है ना। और जब हम फोर पर चेक कर रहे थे तो रिलेशन किस में आ रहा है, बी ए टू में और बी टू में आ रहा है। देख लो आप ज़रा ध्यान से। तो मान के चलो कि मैंने यहाँ पे टू पर, नंबर फर्स्ट हमने टू पर फंक्शन का रिलेशन निकाला, हमने क्या निकाला, टू पर फंक्शन का वैल्यू निकाला। तो टू पर फंक्शन का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, यहाँ से ए वन मिलेगा केवल, और टू पर हमने एल एच एल निकाला, एल एच एल एट टू, तो ये मिलेगा लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ टू माइनस एच। तो जहाँ जहाँ आपके पास फंक्शन में कितना है यहाँ रख दो, तो ये कितना मिलेगा, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो बी वन प्लस, यहाँ पे रखो टू माइनस एच, यानी कि कॉस पाई और ये कितना टू माइनस एच। लिमिट जैसे अप्लाई करोगे तो ये कॉस टू पाई आएगा, कॉस टू पाई का वैल्यू कितना होता है वन, तो ये बी वन प्लस कितना आ गया, वन आ गया। तो ए वन रिलेशन कितना आ गया, ऐसे आ गया। तो ऐसे आप फाइंड आउट करोगे नेक्स्ट किस पर, फोर पर। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, ए टू मिलेगा। अच्छा ये कंटिन्यूस है ऑलवेज, तो ये एफ ऑफ टू एल एच एल आर एच एल सारे इक्वल आए होंगे। तो यहाँ से ए वन इक्वल टू कितना मिलेगा, बी वन प्लस वन मिलेगा। तो ऐसे आगे फोर पर चेक करोगे तो कितना मिलेगा आपको कि ए टू इक्वल टू बी, ए टू इक्वल टू बी टू प्लस वन मिलेगा। ऐसे सिक्स पे चेक करोगे तो आप यहाँ से तो फंक्शन का मान सिक्स पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा सिक्स के आर एच एल निकालोगे ना सिक्स पर, तो वो यहीं से तो मिलेगा आपको, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस बात से। तो यहाँ से कितना मिलेगा, जैसे आपको ये ए थ्री मिलेगा, और सिक्स पर एल एच एल निकालोगे तो कितना मिलेगा, बी थ्री प्लस वन मिलेगा। तो आप ऐसे कंपेयर कराओगे तो ये कितना मिल रहा है, ए एन इक्वल टू बी एन प्लस वन मिल रहा है, यानी कि ए एन माइनस बी एन इक्वल टू कितना मिल गया, वन मिल गया। अब ये ज़रा ध्यान से देखो, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे मुझे थ्री पर देखना है, थ्री पर, तो थ्री पर फंक्शन का मान कितना आ रहा है कि ए वन प्लस ई आ रहा है। थ्री पर फंक्शन का मान कितना आ रहा है, ए वन प्लस दिस, तो साइन थ्री पाई ज़ीरो हो जाएगा वो, तो ये ए वन आ गया। अब थ्री पर, थ्री पर आर एच एल आपको यहाँ से मिलेगा, तो थ्री पर जैसे आप आर एच एल निकालोगे, आर एच एल एट थ्री। अच्छा थ्री पर एल एच एल कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, थ्री पर फंक्शन का मान यहीं से निकलेगा। तो फंक्शन का मान और एल एच एल बराबर ही आने वाली गारंटी से, लेकिन रिलेशन तो हमें किस में दिखाना है, ए एन में और बी एन में दिखाना है। तो यहाँ से आर एच एल हमारा क्या आ जाएगा, थ्री पर निकाल रहे हैं हम, तो लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच, तो थ्री प्लस एच में फंक्शन का मान यहाँ से मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा, बी टू प्लस कॉस ऑफ पाई थ्री प्लस एच, तो कॉस थ्री पाई, तो कॉस थ्री पाई का वैल्यू कितना मिलता है आपको, माइनस वन मिलता है, कि दो जीरो पर वन, पाई पर माइनस वन, टू पाई पर वन, थ्री पाई भी कितना मिलेगा, माइनस वन, तो ये माइनस वन आ गया बी टू, तो ये कितना आ गया एल एच एल, आप आर एच एल कितना ये आ गया, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का मान, तो फंक्शन का मान कितना आ गया ए वन, और ये कितना आ गया बी टू माइनस वन। ऐसे ही आप निकालो नेक्स्ट, तो यहाँ से जैसे फाइव है, तो फाइव पे फंक्शन का मान कितना आएगा, ए टू आएगा गारंटी से, ए टू आएगा, और फाइव का एल एच एल भी कितना आएगा गारंटी से, देखो लो ए टू ही आएगा। अब फाइव पे आर एच एल निकालोगे तो यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से कॉस फाइव पाई दिखेगा, कॉस फाइव पाई, कॉस फाइव पाई कितना दिखेगा, ऑड मल्टीपल्स के लिए आपको कितना देगा, माइनस वन देगा, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, बी थ्री माइनस वन मिलेगा, और ये कितना आया था एल फंक्शन का मान, ए टू आया था, तो ए टू इक्वल टू कितना आ रहा है, बी थ्री माइनस वन। तो इस तरह से रिलेशन आएगा। तो जब ए एन पे आप पहुंचोगे ना, ए एन पे, तो ये कितना दिखेगा आपको, बी एन प्लस वन माइनस वन ये दिखेगा, तो इसको इधर ले आओगे तो कितना ये आ जाएगा, ए एन माइनस बी एन प्लस वन इक्वल टू कितना, माइनस वन। अच्छा इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ कि ए एन माइनस वन माइनस बी एन इक्वल टू कितना, माइनस वन, ये भी लिख सकते हैं अपन। तो बेसिकली ये तीन चार रिलेशन टाइप के हमको दिखाई दे रहे हैं ना, और एक हमारा अभी भी आया था कि ए एन इक्वल टू बी एन प्लस वन, ये तो था, तो आप मैच करा लो। तो ए एन इक्वल टू बी एन प्लस वन यहाँ से मिल जाएगा आपको,
और ए एन माइनस वन माइनस बी एन इक्वल टू माइनस वन यहाँ से मिल जाएगा आपको ये वाला, क्लियर। और ये आपको नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि इसमें ही आप एन के स्थान पे कितना रख दोगे, माइनस एन के स्थान पे कितना रख दोगे, एन माइनस वन, तो ही तो यहाँ मिल जा रहा है ये। बट इसकी वैल्यू तो हमें, जैसे इसमें एन के स्थान पे मैं कितना रख दूँ, एन माइनस वन रख दूँ, तो कितना देखेगा, ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन, लेकिन इक्वल टू कितना आ रहा है, ये तो वन आ रहा है, बट यहाँ जीरो कह रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो ए एन माइनस वन और ए एन माइनस बी एन प्लस वन, देखो ए एन माइनस बी एन इक्वल टू वन आ रहा है, तो ये वन नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन हमारे कौन से राइट हैं, सेकेंड और थर्ड राइट, सेकेंड और कौन से, फोर्थ राइट हैं, ठीक है ना। थैंक यू।